तो गाइस कैसे हो सब लोग भाई। कॉन्करर पबजी न्यू स्टेट के एक और गेम प्ले में आपका स्वागत है। और गाइस आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि लीडर बोर्ड पबजी न्यू स्टेट के एशिया के लीडर बोर्ड तक पहुंचने के लिए कितना ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है पबजी न्यू स्टेट के अंदर। और अगर ये वीडियो पबजी न्यू स्टेट के डेवलपर देख रहे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिंग के इश्यू को ठीक करिए और उसके साथ साथ यहाँ पे पिंग की वजह से जो रेंडरिंग का प्रॉब्लम होता है उसको भी यहाँ पे थोड़ा ठीक किया जाए। तो अब सीधे हम लोग गेम की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने पोचिंग की लूट लिया और सीधे हम लोग स्कूल के साइड में आ गए। और मैं जैसे ही के साइड में आता हूं मुझे एक बंदा दिखता है और भाई मुझे लगता है कि बॉट है। तो गाइस आप लोगों ने पिंग देखा, पिंग कितना ज्यादा हाई था और उसका पूरा फायदा उस बंदे ने उठाया और यहाँ पे मुझे फिनिश कर दिया है। अब मैं सीधे यहाँ पे आ चुका हूँ, फिर से जंप कर लिया हूँ और भाई मैं जब तक जंप करता ना वो शायद बंदा मुझे देख लिया था और तब तक फायर आ जाता है। मतलब लिटरली मैं बोल रहा हूँ मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि मैं ये गेम खेल भी पाऊंगा, मुझे लीव करना पड़ेगा क्योंकि भाई पिंग की वजह से मैं बार बार मार खा रहा था और यहाँ भी मैं पिंग की वजह से ही दो शॉट लेता हूँ। तो भाई यहाँ पे वो बंदा जो है वो छुप चुका है, सामने ड्रॉप भी आया हुआ है। अब हम यहाँ से सीधे वो जो सामने वाली गाड़ी दिख रही है वहाँ गाड़ी लेके फिर हम लोग ड्रॉप पे सीधे जाएंगे और मुझे लगता है कि वहाँ ये जो बंदा है वो जोन के लिए निकल चुका होगा क्योंकि मैं अभी जोन के बाहर हूं। तो भाई जिस तरीके से मैं गाड़ी के पास में लेटा रहता हूँ और नेट आता है और अगर मैं थोड़ी देर और गाड़ी से चिपक के लेटा होता ना तो भाई आराम से फिनिश हो जाता, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा पीछे आ गया जिसकी वजह से मेरा हेल्थ थोड़ा ही डैमेज हुआ और मैं यहाँ पे अब सीधे वहाँ से भाग के किसी तरीके से जान बचा के जोन के अंदर आता हूँ। और जैसे ही जोन में पहुँचता हूँ ना भाई वो प्लेयर मेरा पीछा कर रहा होता है। और भाई जैसे ही वो वहाँ पे अपनी गाड़ी रोकता है ना उससे पहले ही मैं यहाँ पे M4V6X उसको एक स्प्रे पर रख के देता हूँ और भाई वो यहाँ पे फिनिश हो जाता है। मतलब मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं था कि मैं उसको मार भी पाऊंगा क्योंकि फर्स्ट टाइम जो हम लोग का अटेम्प्ट हुआ था फाइट उसमें भाई उसने मुझे आराम से मार दिया था बिकॉज क्योंकि मेरा जो पिंग था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था। अब आपने यहाँ पे देख ही लिया कि मेरी पिंग कितनी ज़्यादा हाई जा रही है फाइट के टाइम में। मतलब मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि एक तो जोन भी छोटा हो चुका है और 12 प्लेयर अलाइव हैं, तो मुझे थोड़ा भी उम्मीद नहीं लग रहा है कि अगर इस जोन के अंदर मैंने फाइट लिया और अगर कोई भी बंदा आया तो भाई मतलब मैं सीधे सीधे रेंडरिंग का प्रॉब्लम होगा और मारा जाऊंगा। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस है, वो ये है कि मैं फाइट को ज़्यादा क्लोज रेंज ना लूँ क्योंकि अगर मैंने क्लोज रेंज लिया तो भाई कन्फर्म है मैं मारा जाऊँगा। उसके लिए मुझे जो है वो लॉन्ग रेंज से ही फाइट लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब भाई जैसे ही मैं इस घर में आता हूँ ना ये बंदा भाई पता नहीं कहाँ से आता और पीछे से दो नेट करता और जैसे ही सामने से ये नेट करने वाला होता है और नेट अंदर जाता ना उससे पहले ही मैं जंप कर जाता हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि भाई इसको गन स्विच करना ही करना पड़ेगा क्योंकि इसने अभी जस्ट नेट थ्रो किया है। और भाई इस चीज़ का उसको थोड़ा भी उम्मीद नहीं था और उसको मैं पूरा फायदा उठाता हूँ। अब भाई जोन एकदम शिफ्ट हो चुका है और मैं एकदम प्रॉपर बाहर हूँ जोन से, आउट ऑफ जोन, और मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम है जो सामने हाई रीजन है वहाँ के बंदे से। अब ये हाई रिस्क वाला बंदा जो है वो एक जगह हार्ड स्कोप करके बैठ गया था, इस वजह से इसने और साइड में नहीं ध्यान दिया और मैंने उसका पूरा फायदा उठा के यहाँ पे सीधे जोन के अंदर आ जाता हूँ। अभी भी दो प्लेयर अलाइव हैं। अब भाई ये वाला प्लेयर जो था वो भी जोन के अंदर आराम से जाने की कोशिश कर रहा था जिसका मैं पूरा फायदा उठाता हूँ, उसको फिनिश कर देता हूँ। अब लास्ट प्लेयर बचा है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा एक ही प्रिडिक्शन था कि प्रिडिक्शन से ही करके मैं विन कर सकता था क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि बंदा लेफ्ट वाले हाई रिच पे है या राइट साइड में रिच पे है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मुझे डाउट कन्फर्म था कि भाई जो जिस बंदे को मैंने ऊपर हाई रिच पे मारा था स्नाइपर से वो बंदा हार्ड स्कोप किया था राइट साइड वाले घर पे, तो कहीं ना कहीं ये बंदा इधर ही साइड में जरूर होगा जो सामने मतलब जो पत्थर दिख रहा है पत्थर के राइट साइड में ही किसी जगह पे होगा और जोन के
अंदर है। अब यहाँ पे मैं वॉल बना के किसी तरीके से छुप छुपा के मुझे अंदर जाना है, और सामने भाई अगर थोड़ा सा भी मैंने गलती किया ना तो वो बंदा मुझे आराम से फिनिश कर देगा। अब मेरे पास सिर्फ एक ही चांस है कि मैं रिज के दूसरे साइड चला जाऊँ, जिससे कि उस बंदे को मेरी लोकेशन कन्फर्म ना हो। लेकिन भाई उसको यहाँ भी कन्फर्म हो जाता है और नेड वो करता ही करता है। गाइस ये वीडियो है पबजी न्यू स्टेट का, जो एशिया के सर्वर में इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता है रेंडरिंग और पिंग इशू का। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक